वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सैयद नवीद अली। और आज क्लास थ्री का हम जो यूनिट पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो आपकी बुक में तो यूनिट नंबर फोर लिखा हुआ है और पेज नंबर आई सपोज 21 होगा। यस, पेज नंबर 21 है, ठीक है। और इस बुक के हिसाब से यूनिट नंबर फोर है, लेकिन आपके रीडिंग सीक्वेंस के हिसाब से यूनिट नंबर थ्री है। आप जब अपनी वर्किंग करेंगे कॉपी के ऊपर तो आप यूनिट नंबर फोर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे यूनिट नंबर थ्री। और इसका नाम है टर्टल्स एस्केप, टर्टल्स लकी एस्केप, टर्टल का खुशकिस्मत फरार। फरार का मतलब भाग जाना, अपनी जान बचा के भाग जाना। लकी का मतलब खुशकिस्मत और टर्टल कहते हैं कछुए को। वर्ड्स मीनिंग में आप इन वर्ड्स के मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या मीनिंग बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके दोबारा रिपीट करके वीडियो को रिमाइंड करके सुन सकते हैं, ठीक है। चलें तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, टर्टल्स लकी एस्केप। वन डे, एक दिन टाइगर फाउंड टर्टल ऑन हिज लैंड। टाइगर ने कछुए को अपने इलाके में देखा। एनिमल्स का फॉरेस्ट में अपना अपना इलाका होता है और वो इस इलाके में, अपने इलाके में किसी दूसरे जानवर को घूमना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना बर्दाश्त नहीं करते। ही वॉज वेरी एंग्री, इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया। एंड ग्रैब्ड द टर्टल बाय द फ्लिपर, और उसने टर्टल को पकड़ लिया उसके फ्लिपर से। ये टर्टल का फ्लिपर होता है, देखें मैं आपको दिखाऊं, ये इसके फ्लिपर्स होते हैं जिनसे ये चलता है और तैरता है, ठीक है। इस फ्लिपर से टाइगर ने टर्टल को पकड़ लिया, ठीक है। इसको और जूम इन कर लेते हैं ताकि आसानी से पढ़ा जाए। देन ही शाउटेड टू हिज कुक, और फिर उसने अपने कुक को बोला चिल्लाकर, टेक दिस टर्टल, इस कछुए को ले जाओ, एंड कुक हिम फॉर डिनर, और मुझे डिनर में इसे पका के दो। यानी आज कछुए की खैर नहीं है, डिनर में ये पकाया जाएगा और टाइगर इसे खाएगा। देन टाइगर वेंट ऑफ, फिर टाइगर चला गया टू आस्क हिज आंट्स एंड अंकल्स, अपने अंकल को और आंटी को बुलाने के लिए, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी, टू कम टू द मील, के वो आज खाने पर आए। यानी उसने टर्टल को पकाने का जो हुक्म दिया है उसकी दावत करेगा, लोगों की दावत करेगा। अपनी आंटी को बुला रहा है, अपने अंकल्स को बुला रहा है और अपने दोस्तों को बुला रहा है कि वो दावत में आए और इस टर्टल का गोश्त मज़े से खाएं। द कुक चॉप्ड अप, कुक ने सारी प्याज काट ली, ठीक है। एंड अनियंस, अनियंस कहते हैं प्याज को, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग नोट करते जाइएगा, अनियन का मतलब प्याज। प्याज काट ली, एंड पेपर, और पेपर, पेपर कहते हैं काली मिर्च को जो गोल सी होती है। एंड टर्टल डेड, और टर्टल ने वो किया, डेड द थिंग, वही किया, ही डेड बेस्ट, जो वो हमेशा से बेहतरीन तरीके से करता आया है। टर्टल ने वही किया। ही बिगेन का मतलब शुरू कर दिया, बिगेन का मतलब शुरू कर दिया, टू सिंग गाना। ही sang सो वेल, sang वो गाया, ही उसने या वो sang गाया, उसने गाया सो वेल, इतना बेहतरीन तरीके से, दैट द कुक स्टार्टेड टू डांस, के कुक ने, ये कुक है, शी इज अ कुक, ये जो बकरी टाइप है, ये शीप टाइप है, शी इज अ कुक। टर्टल ने इतना अच्छा गाया कि इस कुक ने डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ, देन टर्टल सैड, फिर जब टर्टल ने देखा कि कुक जो है वो उसके गीत पर डांस कर रही है, तो टर्टल सैड, टर्टल बोला, माई स्वीट कुक, मेरे प्यारे कुक, मेरी प्यारी कुक, इफ यू विल ओनली पुट मी ऑन द ग्राउंड आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर, ग्राउंड का मतलब ज़मीन, ग्राउंड का मतलब ज़मीन और आउटसाइड का मतलब बाहर, अगर तुम मुझे बाहर ले जाकर ज़मीन पर रख दो, आई विल सिंग सो स्वीटली, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गाऊँगा।
कुक को उसका गीत अच्छा लग रहा था, लिहाजा कुक को ये ख्याल आया चलो यार थोड़ा से गीत का मज़ा ले लेते हैं और इसको बाहर ले जाके ज़मीन पर रख देते हैं, कौन सा ये भाग जाएगा, ना तो इसकी रफ्तार है ना कुछ है। तो उसको ले जाके रख दिया। द कुक पुट टर्टल आउटसाइड, टर्टल को कुक ने बाहर ले जाकर ज़मीन पर रख दिया। एंड ही सैंग मोर स्वीटली देन एवर, और टर्टल ने चालाकी क्या की, उसने पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से गाना शुरू कर दिया। एंड द कुक डांस्ड ऑल द टाइम, और कुक रक्स करने लगा और मज़े से डांस करने लगा। देन टर्टल सैड, और फिर टर्टल ने इस बात को नोट कर लिया और कहा, ओ माई स्वीट कुक, मेरी प्यारी कुक, इफ यू विल टेक मी टू द रिवर, अगर तुम मुझे दरिया पर ले जाओ, एंड और पुट जस्ट द टिप ऑफ माई टेल इन द वाटर, और पानी के अंदर मेरी दुम का कुछ हिस्सा डाल दो, उसकी नोक सिर्फ, यानी नोक से उसे पानी में भिगो दो, आई विल सिंग मोर स्वीटली देन एवर, तो मैं पहले से और अच्छा गाऊंगा। अब इस लालच में कि मुझे और अच्छा गाना सुनने को मिलेगा और मज़ा आएगा, द कुक टुक द टर्टल टू द रिवर, वो कुक उसे ले गई दरिया पे, एंड पुट जस्ट द टिप ऑफ हिज टेल इन द वाटर, और उसने उसकी दुम का एक हिस्सा किनारे का पानी में डाला और टर्टल को वहीं छोड़ दिया। एंड टर्टल sang मोर स्वीटली देन एवर, लिहाजा टर्टल ने पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से गीत गाना शुरू कर दिया। एंड द कुक डांस्ड एंड डांस्ड, और वो कुक रक्स पर रक्स करता गया, डांस पर डांस करता गया और इन्जॉय करता गया। लेकिन क्या हुआ फिर आगे, बड़े मज़े की बात हुई। बट सून ही हर्ड शी हर्ड नो सिंगिंग, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसे इस टर्टल की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी, क्योंकि टर्टल वहाँ था ही नहीं। शी लुक्ड डाउन, उसने जब नीचे देखा बावर्चन ने या कुक ने, देयर वॉज टर्टल, तो उसे टर्टल दिखा तो सही, देयर वॉज टर्टल, उसे टर्टल दिखा तो सही, एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लेकिन दरिया की तह में जाकर। एंड टर्टल वेव्ड हिज फ्लिपर, और टर्टल ने अपना फ्लिपर हिलाया, वही जिससे वो तैरता है, ठीक है, तैरने में और चलने में जो मदद लेता है, अपने पैरों को हाथों को इस्तेमाल करता है, उसने अपना हाथ हिलाया जैसे हम टाटा करके हिलाते हैं, एंड स्विम अवे, और तैरता हुआ चला गया। यूं टर्टल खुशकिस्मती से फरार हो गया, क्योंकि अगर वो ये ना कर पाता तो आज वो टाइगर का डिनर बन जाता। तो स्टोरी एंड्स, क्लास टू के स्टूडेंट्स, इसकी जो वर्किंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है बच्चों। और इस स्टोरी को जहन में रखिएगा, मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ जब आप आएंगे स्कूल, ठीक है, इसको दोबारा पढ़िएगा वर्ड्स मीनिंग के थ्रू जो मैंने आपको बताए हैं अगेन एंड अगेन। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इस स्टोरी को सुनिएगा, इसकी ट्रांसलेशन सुनिएगा, मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इसको सुनने के बाद भी, तो आप स्कूल आके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।